अचलपुर विधानसभा क्षेत्र सहित अमरावती जिले के लिए रोजगार के एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित अचलपुर की फिनले मिल को शुरू किए जाने को लेकर पिछले दो माह से ज्यादा के समय से लगातार सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों के बावजूद भी आज तक फिनले मिल की शुरुआत नहीं हो पाई है। जबकि मिल में काम करने वाले करीब 800 से 900 कामगार पिछले दो माह से मिल शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज कल में शुरू होने का उनका इंतजार अब असहनीय अवस्था में पहुँचने के समाचार प्राप्त है। इन कामगारों सहित उनके परिवारों में भारी असंतोष पनप रहा है। इस विषय को लेकर स्थानीय राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ एवं गिरनी कामगार संघ की ओर से कामगारों के पूर्ण वेतन और मिल शुरू किए जाने को लेकर नाना प्रकार की कोशिशें की जा रही है। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष मोहन गोखले, उपाध्यक्ष राजेश खोलापुरे, जनरल सेक्रेटरी राम सुमेर बुंदेले, राम उमक आदि सहित संघ के पदाधिकारियों द्वारा दो माह से पूर्व सबसे पहले मिल प्रबंधन, पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, राज्य मंत्री बच्चू कड़ू सहित फिनले प्रबंधन की मुंबई दिल्ली इकाइयों से मिल शुरू किए जाने को लेकर गुहार लगा चुके हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मिल व्यवस्थापन और प्रातिनिधिक संगठना की उपस्थिति में जिले के कामगार आयुक्तालय में 2/7/2020 से लेकर 23/7/2020 तक कुल 5 बैठकों का आयोजन भी हुआ है। इस बीच जिले के कामगार आयुक्तालय द्वारा बार बार मिल प्रबंधन को विषय की सकारात्मकता को लेकर बल दिया गया, बावजूद इसके प्रबंधन द्वारा आज तक ना ही कामगारों को पूरे वेतन को लेकर कोई फैसला लिया गया और ना ही मिल शुरू की गई। इसी बात को ध्यान में लेते हुए कामगार आयुक्तालय द्वारा मिल प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए 4 सितंबर को भेजे गए पत्र में तत्काल मिल शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मजदूर संघ के साथ साथ 5 बैठकों का हवाला देते हुए मिल के कामगारों में काम शुरू नहीं होने की अवस्था में पिछले दो माह से ज्यादा के समय से बढ़ी चली आ रही बेचैनी अब असंतोष के स्वरूप में सामने आने लगी है। ऐसे में इस असंतोष का परिवर्तन कायदा और सुव्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मिल प्रबंधन को कड़क चेतावनी देते हुए कामगार आयुक्तालय द्वारा फौरन कामगारों के पूर्ण वेतन सहित मिल को शुरू किए जाने के निर्देश 4 सितंबर को भेजे गए पत्र में निर्देशित किए जा चुके हैं। इस पत्र में इस बात की ताकीद भी दी गई है कि अगर कामगारों का 100% वेतन नहीं किया गया तो कामगार विभाग द्वारा विभाग की ओर से आस्थापना राज्य शासन के प्राप्त होते ही अनुदान को प्रत्येक विभाग उस अनुदान में कपात कर कामगारों के वेतन में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव सही रास्ते से संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। इस पत्र की प्रतिलिपि कामगार आयुक्तालय द्वारा स्वीय सहायक कामगार राज्य मंत्री, चीफ जनरल मैनेजर, विभाग प्रमुख, एनटीसी हाउस मुंबई, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ फिनले मिल अचलपुर तथा अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक स्कोप कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली आदियों को भी भेजी गई है। लॉकडाउन जिस समय जारी किया उसी समय कामगार कारखानों में काम करने वाले कामगार, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट के कारखाने हो, उन सभी को लॉकडाउन के अवधि का संपूर्ण वेतन उनको देना चाहिए और किसी की भी नौकरी ना छीनी जाए, इस बात से सभी व्यवस्था मंडल को आगाह किया था और आदेश दिया था, जिसकी पुष्टि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय, हमारे महाराष्ट्र के कामगार आयुक्त और सभी संबंधित कार्यालयों से इस बात की पुष्टि हुई थी कि किसी का वेतन ना काटा जाए। लेकिन 7/9/2020 तक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ लगातार फिल्ले मिल चालू होना चाहिए और वो फिल्ले मिल को चालू करके लॉकडाउन अवधि का संपूर्ण वेतन सभी कामगारों को मैनेजमेंट की तरफ से देना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारा उद्योग फिल्ले मिल चालू करना चाहिए। फिल्ले मिल हमारा एक आदिवासी क्षेत्र का एकमेव अचलपुर की जीवन रेखा माने जाने वाला उद्योग है और इसी उद्योग के वजह से पूरे संपूर्ण अचलपुर शहर का रोजगार चलता है, अवधि चलती है और वित्त व्यवस्था अचलपुर की फिल्ले मिल के ऊपर निर्भर है। आगे भी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यही मांग करता है कि जल्द से जल्द फिल्ले मिल को चालू किया जाए और हमारे सभी कामगार कर्मचारी भाइयों को लॉकडाउन अवधि का संपूर्ण वेतन उनको देने के लिए निवेदन दिए है और वास्तविक मुलाकात करके उनको सभी परिस्थिति की जानकारी करवाई। हमारे शहर के आमदार और महाराष्ट्र के कामगार मंत्री बच्चू भाऊ कड़ू, इनको निवेदन देके और वास्तविक उनसे मुलाकात करके जिस समय हमने सब परिस्थिति बताई
तो उन्होंने कामगार आयुक्त साहब को आदेश देके एक प्रस्ताव तैयार करने का उनको आदेश दिया कि भाई पिल्ले मिल जल्द से जल्द चालू हो, इसलिए एक प्रस्ताव तैयार करने का उनको आदेश दिया कि भाई पिल्ले मिल जल्द से जल्द चालू हो, इसलिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ फिर एक बार आपसे नम्र गुजारिश करता है, सभी से विनती करता है, संबंधित सभी अधिकारी हो या राजनेता हो, जिन्होंने इस पिल्ले मिल को चालू करने की प्रक्रिया के अंदर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के कार्यों को सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद मानता है और सबसे एक बार नम्र विनती करता है कि कृपया आप सभी लोग अचलपुर की जीवन रेखा माने जाने वाले, जिसके ऊपर अचलपुर शहर की अर्थव्यवस्था टिकी है और अचलपुर शहर के कई गरीब मजदूर लोगों का जीवन और रोजी रोटी का कारण है, ऐसे पिल्ले मिल को जल्द से जल्द चालू करें और लॉकडाउन अवधि का संपूर्ण वेतन सभी कामगार कर्मचारियों को दिया जाए, ये हमारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की मांग है और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ये प्रयत्न हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। एशियन न्यूज नेटवर्क परतवाड़ा एवं विदर्भ न्यूज अमरावती के लिए पंकज साबू एवं जयकुमार घिया, ये खास रिपोर्ट।